एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे कि नीट 2024 का पेपर तो हो चुका और उसके रिजल्ट में क्या गड़बड़ है, ये भी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, है ना, कि 718 मार्क्स आ रहे हैं, 719 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बट इस स्कैम की वजह से हमारा दिमाग पूरा डाइवर्ट हो चुका है, या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी बुक को यूज करें, कैसे स्ट्रैटेजी रखें अपने तीनों सब्जेक्ट्स की ताकि नेक्स्ट ईयर हमारा स्कोर 650 प्लस ही हो, राइट? कुछ बच्चों के 350-450 इस बार आए हैं, तो डोंट टेक स्ट्रेस ऑन योर माइंड एंड योर हार्ट, बी हैप्पी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको अगर 650 के ऊपर स्कोर मिल रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका कन्फर्म है। अब देखो, इस नीट की जर्नी में 2025 में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, एंड दैट आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ योर जर्नी, राइट? अब आज जो सबसे कॉमन क्वेरी आई है कि मैम तीनों सब्जेक्ट की क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक से क्वेश्चंस लगाएं, दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए कि PYQs आर दी की। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं तो 720 में से 720 भी बच्चों के आए हैं, वो भी 67 स्टूडेंट्स के आए हैं, दैट इज होली सोली ड्यू टू PYQs, राइट? PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई मॉड्यूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन इस बात से होता है कि PYQ पे आपकी कितनी ज्यादा कमांड है। तीनों सब्जेक्ट के लिए बेटा अप्रोच तो डिफरेंट रहती है, स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट रहती है, राइट? अब सबसे कॉमन क्वेरी जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमें पता है कि PYQs इंपॉर्टेंट है बट कौन सी बुक से लगाएं PYQs, क्योंकि मॉड्यूल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये एड्रेस कर देती हूँ कि PYQ आपको लगाना कहाँ से है, क्योंकि PYQ तो हार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, आप जो डाउन जाएंगे उससे अप लाने का काम आपको PYQ ही करेगा। उसके लिए एक बुक जो मैं रेफर करती हूँ आपके लिए एंड आपको भी सजेस्ट करूंगी, दैट इज ओसवाल बुक्स फॉर नीट PYQs। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आती है, आई हैव ऑल थ्री, मेरे पास बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों की है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें क्या है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैं ये बुक क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसे ही मैं कभी कोई चीज सजेस्ट नहीं करती अंटिल एंड अनलेस आई वेरीफाइड इट, राइट? देखिए, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने जो PYQ इनकॉर्पोरेट किए हैं वो सारे के सारे PYQ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, अब मेक श्योर दैट मेरी स्क्रीन आपको आसानी से दिख जाए ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखे। ये देख लीजिए, ये वाली बुक मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जिसमें कि 37 ईयर के नीट के सारे PYQ दे रखे हैं और उसके साथ साथ इनके स्पेशल फीचर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं कि हर साल का इन्होंने एक ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, हर साल का इन्होंने एक ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि कौन से साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर कोई भी टीचर कोई भी चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा पढ़ा रहा है, मैं कह रही हूँ कुछ कुछ चैप्टर देख लो जिससे 00 क्वेश्चन आए हैं 23-24 में, अब लिविंग वर्ल्ड पे तुम पढ़ रहे हो 6 घंटे का लेक्चर, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारे लिए एक पाथ क्रिएटर जैसा है जिससे हमें पता चल जाए कि भाई हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हम उस पर ज्यादा ध्यान दें, राइट? ये एक अच्छी बात मुझे लगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी का लेटेस्ट पेपर सॉल्व करा रखा है, जो लेटेस्ट पेपर है इनका नीट 2024 का उसको पूरा सॉल्व करा रखा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपको अपनी गलतियां एनालाइज होंगी कि आपने पेपर में गलती कहां की है, राइट? एंड एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वाली बुक में आपको जो रिविजन नोट्स मिलेंगे ना वो कंसाइज इस तरीके से मिल जाएंगे टेबल के फॉर्म में, ताकि अगर आपके पास आधा घंटा भी है और आप कभी कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो तो कम से कम ये सारे फैक्ट्स आप रिवाइज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एक छोटे से शॉर्ट नोट मिलेंगे जिससे आपका चैप्टर रिवाइज होगा, एंड सबसे अच्छी चीज है इनके प्रीवियस ईयर सेक्शन के क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट क्वेश्चन तक इसमें डाल रखे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, और हर चीज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर से अरेंज्ड है। इसका मतलब एक टॉपिक जो आप NCERT से पढ़ रहे हो, जो आप मुझसे पढ़ रहे हो लाइव, उसके PYQ जाके अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखो, बुक्स बहुत ज्यादा होती है बट बहुत सारे पब्लिकेशन में ना कुछ चीजें गलत होती है, मतलब आंसर की गलत होती है या फिर बाकी के फैक्ट्स गलत होते हैं, बट इसमें मैंने देखा मैक्सिमम चीजें सही है। तो आपका ये डाउट कि PYQ कहां से करना है, कैसे करना है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, राइट? लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई विल डू दैट कि आपके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप चाहें तो वहां से डायरेक्टली उसको ले सकते हो, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, PYQs और बुक की क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट की हमारी अप्रोच या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, अलग अलग अप्रोच और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बायो जो लोगों को बहुत ईजी लगती है, उनको लगता है लास्ट टाइम पे भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बायो के पेपर में ले लिए 1 घंटे 30 मिनट, जिसकी वजह से उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम कम बचा और बच्चों का पेपर खराब हो गया, राइट? बायो टोटली NCERT बेस्ड आती है, इन बिटवीन द लाइंस NCERT से पूछे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो मैं आपको अपने लेक्चर्स में कवर कराऊंगी, ठीक है? अब
बायो के जो दो सेक्शंस हैं बॉटनी एंड जूलॉजी, उसमें क्या करना होता है, जूलॉजी ज्यादा कंसेप्ट वाली होती है, तो जो थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स एक्स्ट्रा फीचर्स पूछे जाते हैं वो आपके जूलॉजी से पूछे जाते हैं टफ क्वेश्चन। बॉटनी टोटली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, राइट। तो आपको कभी इसको इग्नोर नहीं करना है, 340 अगर सिक्योर करना है 360 में से तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हमेशा क्या करना है कि बायोलॉजी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आधा सिलेक्शन आपका बायो पे डिपेंड कर रहा है। कभी इजी समझ के ये मत सोचना कि बायो बाद में करेंगे, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आपको मैंने बताया पीवाईक्यू कि आप एक किताब ले लो एनसीईआरटी, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना भी पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है, राइट। आप पिछले भी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जितना पढ़ाया उतना ही आया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम हमने इतने बड़े बड़े मॉड्यूल पढ़े, इतना सब कुछ पढ़ा, जबकि पेपर इतना इजी आ गया, जो आपने पढ़ाया था सिर्फ उतना ही आया एनसीईआरटी बेस्ड। तो मैं वही तो कह रही हूँ, एक चैप्टर पे 8 से 10 घंटे बर्बाद करोगे बायोलॉजी के, और उस पे आना सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड है जो आप 2 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हो। 2 घंटे मैक्स होता है किसी बायो के चैप्टर के लिए, राइट। अभी लेटेस्ट मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ा रखा है, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 घंटे 40 मिनट में ही पूरा चैप्टर कवर करा रखा है विद दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हॉटस्पॉट्स एंड पीवाईक्यूज, राइट, कि कहां कहां से पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई इसी तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको अगली बार टाइम वेस्ट ना हो, राइट। अब आते हैं बायो में, मैंने जैसे आपको बताया एनसीईआरटी इज द की, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और एनसीईआरटी की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एनसीईआरटी रट लिया तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्या कहना चाहता है दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जूलॉजी सेक्शन, एंड पीवाईक्यूज आर मस्ट टू डू, नथिंग एक्स्ट्रा देन दैट इज रिक्वायर्ड। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े मॉड्यूल्स पढ़ने इस कोचिंग के उस कोचिंग के फलाना ढिमकाना, इससे ज्यादा बेटा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज माई गारंटी कि कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की थी, बायो से स्मार्ट वर्क करके टाइम बचाओगे तब जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाओगे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब आते हैं बच्चे के, बहुत सारे बच्चों के ये कॉमन क्वेरी और कंप्लेन थी जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए कि मैम कोचिंग करें कि लॉन्ग लेक्चर्स देखें कि मॉड्यूल्स करें, और मैम अगर कोचिंग करें तो ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें, कोटा जाता हूं तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है बेटा। कोटा जाने में लाख लाख बच्चे जाते हैं, सिलेक्शन होता है मात्र 200-300 बच्चों का, तो भैया जहां पे ज्यादा भीड़ रहेगी उसमें से पढ़ने वाले तो वैसे भी निकलेंगे और अपने घर से भी निकलेंगे। आज के जमाने में आई प्रेफर ऑनलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपको एक ट्यूटर से नहीं समझ में आता तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो, एक टॉपिक को आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो, और एट द कन्वीनियंस एट योर कंफर्ट लेवल एट योर प्लेस, राइट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई डोंट सजेस्ट कि सिलेक्शन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आई एम लिटरली अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि आज YouTube पे इतना कंटेंट है, कुछ बेकार भी है कुछ बहुत अच्छा भी है, कुछ टू दी पॉइंट भी है, एंड टू दी पॉइंट वाले को आपको समझना है। जितना हमने ऑर्गेनिक के लेक्चर्स लिए थे सारे इस बार नीट के क्वेश्चंस उसी से आए, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आए। जिन बच्चों ने किया उनको बहुत फायदा हुआ, एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ दैट कि बच्चों ने कमेंट किया कि मैम उतना ही आया था, राइट। तो कोई लंबे लेक्चर आपको नहीं देखने, एक चैप्टर पे 8 से 10 घंटे बर्बाद नहीं करने हैं, टाइम बचाओ स्मार्ट वर्क करो, वरना लंबे लंबे लेक्चर साल के एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे और उसके बाद कहोगे कि मैम रिवीजन नहीं हुआ, राइट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल के नोट्स मत पढ़िए, स्टिक टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे हमारा टारगेट होना चाहिए 150+ इन 180 मार्क्स, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ना है, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में आपको दे चुकी हूं और आगे भी दूंगी। उसमें क्लास 12th आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की, जिसमें कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चंक बनता है क्वेश्चंस का, राइट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज सप्लीमेंट इट विद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के पैटर्न को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जरूर ध्यान दें, राइट। नेम्ड रिएक्शन जितने होते हैं वो कभी कभी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसको एक शीट पे लिख लें, ताकि बार बार उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ। इतना कर लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आती है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। इतना हो हल्ला मचा था लास्ट ईयर कि मैम सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आएगी, कुछ नहीं आया, सिर्फ सिंपल एनसीईआरटी आई, जितना पढ़ाया था उतना आया, तो भैया उतना ही पढ़ना था ना। अगर आप 4 घंटे के लेक्चर में 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। पीवाईक्यू निकलने चाहिए, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है कि आप क्वेश्चंस निकाल पाओ, राइट। तो पीवाईक्यू इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है, एंड डोंट वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर कि कुछ एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ लें, कोई चमत्कारी किताब पढ़ लें, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से।
किसी मॉड्यूल से नीट का पेपर नहीं बनता। नीट जो पेपर बनाता है हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड बनाता है और पीवाईक्यू में से उठा के रिपीट कर देगा। तो मेक श्योर कि रिपीटेड क्वेश्चन तो आपसे ना गलत हो। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं और फिजिक्स की बात करते हैं, दोनों की अप्रोच बेटा बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली बात तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सिर्फ लंबे लंबे लेक्चर देखने से नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, एप्लीकेशन आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए। पता चला हमने पूरा चैप्टर 10 घंटे 12 घंटे के लेक्चर देख के समझ रखा है, लेकिन वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें यही नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। हमें यही नहीं समझ में आ रहा, जो कि बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत लोगों को नहीं आती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, जब आप एक चैप्टर पढ़े तो सारे फॉर्मूलाज को एक शीट पे लिख लें, ताकि लास्ट टाइम पे जब आप जनवरी फरवरी में पहुंचे तो आपके पास एक एक शीट हो हर चैप्टर की, कि आप जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड इसमें थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू। कल मैंने एक सेशन लिया है जिस सॉल्यूशंस चैप्टर का, जिसमें क्या किया है कि आपको सॉल्यूशंस की थ्योरी पढ़ाई है, साथ में इसके पीवाईक्यू एंड ट्रिक्स सप्लीमेंट कराए हैं, कि अगर कोई क्वेश्चन एक बच्चा 3 मिनट में कर रहा है, उस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, दूसरे से जितना बेटर निकलोगे दैट विल डिफाइन योर सिलेक्शन, राइट। तो ट्रिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड पीवाईक्यूज आर द मस्ट टू डू, ठीक। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ना थोड़ी थोड़ी सेम जाती है। अगर आप फिजिक्स में टारगेट लेके चले 130 140 एटलीस्ट प्लस में, तब आपका सिलेक्शन एकदम सिक्योर हो सकता है, राइट। इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है। बड़े बड़े थ्योरी पढ़ने से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझो कि चीज बोलना क्या चाह रही है, कहना क्या चाहते हो, ये वाली बात है, राइट। उसमें हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को लेके हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो कितनी भी थ्योरी पढ़ लो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता, जब तक आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और मैं क्या ट्रिक लगाऊं, ठीक। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो सॉल्यूशन चैप्टर के एंड में देखना पीवाईक्यूज में, मैंने आपको लंबा मेथड यूजुअल मेथड जो आप लोग करते हो वो भी समझाया है, और साथ में उसकी ट्रिक भी समझाई है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो, राइट। उसके बाद फॉर्मूला एप्लीकेशन ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर हो सकता है फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला और ट्रिक पता है तो, कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, ताकि क्वेश्चन हमारे जल्दी निकले, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या होती है, कि प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, प्रैक्टिस इज द की इन फिजिक्स, राइट। लेक्चर इज नॉट द की फॉर फिजिक्स, लेक्चर इज मस्ट फॉर बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट फिजिकल एंड फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस इज द की, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इज द की, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब पीवाईक्यू जो फिजिक्स के आपको लास्ट 10 ईयर के लगाने हैं, उससे ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो उससे ज्यादा के भी लगाइए, बट आई सजेस्ट 1998 पे मत पहुंच जाना, है ना, क्योंकि AIPMT जब तक चलता था 2010 वर्ष तक ज्यादा बेटर है, राइट। और अगर आपके पास टाइम लिमिटेड नहीं है, अगर आप बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड है और आपके पास टाइम लिमिटेड नहीं है, तो फिजिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जेई मेन्स के कुछ क्वेश्चन लगा लो लास्ट 5 ईयर्स के। इससे क्या होगा, क्योंकि कई बार नीट के पेपर में क्या करते हैं, वो जेई मेन्स का क्वेश्चन उठा के चिपका देते हैं, वैल्यूज भी नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस पे जा सकते हैं, राइट। तो पहले तो नीट के पीवाईक्यू पे कमांड लो, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कि दैट फोकस ऑन योर गोल्स ओनली फॉर दी 1 ईयर। बाकी दुनिया कुछ भी कहे कि नीट ने स्कैम कर दिया, चलो ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, एक ट्वीट कर दीजिए मोर देन इनफ, क्योंकि जो आपके साथ होगा वो 24 लाख और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी होगा, ठीक है। अकेले आपके परेशान होने से, आपका टाइम वेस्ट होने से अलग रिजल्ट नहीं बनने वाला है, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, हमें पता है नीट का अगर अलग रिजल्ट बना भी दे NTA तो क्या करेंगे, 2024 का पेपर हमारा अच्छा गया नहीं, सिलेक्शन किसी हालत में नहीं होना, तो हम इन सब चीजों में टाइम वेस्ट क्यों करें। हमें क्या करना है कि 2025 पे फोकस करना है, कि ये तो हमारे हाथ में होना चाहिए। एक साल है हमारे पास, एक साल है हमें खुद को प्रूव करने के लिए। दुनिया कुछ भी बोले, पेरेंट्स कुछ भी बोले, कोई कितने भी टॉन्ट मार ले, आप कितना भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, टेक दैट असाइड, अपने दिमाग से एक साल के लिए चीजें निकाल दो। एक साल के लिए आपको मशीन की तरह काम करना है विदाउट इमोशन, राइट। इमोशन नहीं होना चाहिए, नोबडी नोज योर पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल किसी को नहीं पता है, आप कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हो किसी को नहीं पता है। अभी आपके स्टेज को देख के लोग आपको जज कर देते हैं, बट मजा तो तभी है ना जब कोई आपसे सक्सेस की उम्मीद ना रखे और आप हो जाएं, है ना। तो मेक श्योर दैट नोबडी विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, नोबडी इज गोइंग टू कॉज अ ट्रोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, राइट। दैट इज द ट्रूथ ओनली, दैट यू नो ओनली योर पोटेंशियल, नोबडी एल्स नोज अबाउट योर सेल्फ, राइट। That's it for today's lecture. Hope you find it good and clarifying. See you in the next video. Thank you. Hello, everyone.